काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम के स्वरूप हुआ था। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में दो कथाएं प्रचलित है। पहली ब्रह्मा जी से संबंधित है तो दूसरी कथा राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इस तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। अब उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया जिसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। अब सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी आयोजन में जाना नहीं चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर में जाने से कैसा संकोच, वे हट करने लगीं। वे अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव तथा उनको ना बुलाने का कारण पूछा तो राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड में अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रुद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए, जहाँ आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।